अभी कैसे बता देंगे? सब बात पर समीक्षा करेंगे, एक एक बात पे समीक्षा होगी। अधिकारी और मंत्री का यही जिम्मेवारी है, एक एक बात पे समीक्षा होती है। किसानों के प्रति सोच रखना होता है, आगे बढ़ाना होता है। कुमार सर्वजीत आज कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण किए। बता दें कि इससे पहले वो पर्यटन विभाग के मंत्री थे, लेकिन सुधाकर सिंह जो पूर्व में कृषि मंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद जो है इनको कृषि मंत्री बनाया गया है। आज प्रभार ग्रहण करते वक्त सभी बातों पर जवाब दिया और कहा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह ने आरोप लगाए थे कई अधिकारियों पर अपने विभाग को लेकर के, सभी पर जो है वो सभी को देखेंगे, सभी को जाँच करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत। अभी कैसे बता देंगे? सब बात पर समीक्षा करेंगे, एक एक बात पे समीक्षा होगी। अधिकारी और मंत्री का यही जिम्मेवारी है, एक एक बात पे समीक्षा होती है। किसानों के प्रति सोच रखना होता है, आगे बढ़ाना होता है। अभी जलवायु परिवर्तन 3500 से ऊपर सर FIR हुआ था खाद कालाबाजारी में, उस पर सर तो जो FIR कैसे हुआ, इसको एक्शन नहीं मानते हैं क्या? FIR का मतलब क्या हुआ? गड़बड़ी करेंगे तो FIR होगी, गड़बड़ी करेंगे सस्पेंड होइएगा। FIR हुआ यही तो है लोकतंत्र में, क्या है? गलत करेंगे तो FIR होगा। खबर दिखाया सर कि गड़बड़ी हो रही है, मंत्री जी भी यही पे पूर्व कह रहे थे, तब मीडिया कहां? भाई आप पूर्व की बात क्यों कर रहे हैं, वर्तमान की क्यों नहीं करते हैं? वर्तमान आज से शुरू हुआ है, आज की बात करिए ना। मैंने कहा कि आप बिहार में जन्मे हैं, ये आपकी भी मातृभूमि है, मेरे साथ साथ सकारात्मक दिखाना, यही तो मैंने कहा। देखिए पहले हम पहले की चर्चा नहीं करते हैं ना, दुनिया इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों पीछे जा रहे हैं आप? सर डिपार्टमेंट में करप्शन आपके लिए चैलेंज है, ये डिपार्टमेंट का जो करप्शन है आपके लिए क्या चैलेंज है? आप पत्रकार हैं, अगर आपके द्वारा गलत होता है तो आपको दंडित कौन करता है? आपका विभाग करता है। हमारे डिपार्टमेंट में गलत होता है, अगर होगा पकड़े जाएंगे तो कानून अपना काम करता है, वो दंडित होंगे। ये तो कानून से चलता है ना, विभाग किसी के कहने से नहीं चलता है, ये कानून अपना काम करता है। चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम हैं, हमारे विभाग के सचिव हैं, सभी अधिकारी हैं, सबका अपना अपना जिम्मेवारी है, तो सब मिलकर के काम करेंगे। एक महीने का जो कार्यकाल उनका रहा था, तो उनको लगा ना ऐसा कि इस विभाग में गड़बड़ी है? फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी बिहार में जन्मे हैं, अभी नए सिरे से बात करिए, नए सिरे से हम लोग आए, नए सिरे से काम होगा, और गड़बड़ियां अगर होगी तो सचिव के अफसर से कड़ी कार्रवाई होगी। तो सुधाकर सिंह जी गलत कह रहे थे सर, जो बात कह रहे थे ये आपको फैसला करना है, हमें उसका कोई कमेंट नहीं। अभी आप मंत्री बने हैं, आप समीक्षा करेंगे, आप देखेंगे विभाग में। कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है आप देखेंगे तो समीक्षा करता है। आप भी पत्रकार बने हैं तो बिना टेस्ट का नहीं बने हैं, आप भी अपने डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे के ही आए हैं, तो हम भी अपना जो है इंटरव्यू लेंगे सबसे, और जहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ पाई जाएगी तो ये प्रावधान है, कानून है, उसके ऊपर विभाग एक्शन करता है, एक्शन लेगा। क्यों चिंतित हैं आप लोग? काम करेंगे अच्छे से, सबकी जिम्मेवारी है किसानों के प्रति सोचना, और सबकी जिम्मेवारी है। अब हमारे नेता ने कहा है नौकरियाँ देंगे, सचिव महोदय यहाँ पे बैठे हैं, कड़ी मेहनत करके इन्होंने नौकरियाँ डिपार्टमेंट में जनरेट करना शुरू किया है, करीबन 9000 के आसपास हम लोग नौकरियां दे रहे हैं, तो आप नौकरियां की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सुधाकर जी ने क्या कहा, इस पे क्यों चर्चा करते हैं? सर मंडी व्यवस्था को लागू करने की बात उन्होंने कही थी, आप लोग क्या कीजिएगा? अभी तो सुना आपने कुमार सर्वजीत को, जो कह रहे हैं कि सभी बातों की समीक्षा की जाएगी और देखेंगे कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, और साथ में कई लोगों से अपील की कि बिहार को लेकर के, कृषि विभाग को लेकर के जिस तरह से नेगेटिविटी फैली थी उसको आप पॉजिटिव रूप में जो है पेश करें, खास करके उनका इशारा मीडिया की तरफ था। अब देखना होगा कृषि विभाग में मंत्री बने हैं कुमार सर्वजीत कैसे अपने विभाग को चलाते हैं, क्योंकि इस विभाग को लेकर के कई
बार प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। सुधाकर सिंह ने काफ़ी बवंडर किया था, नीतीश कुमार से लगातार उनकी तनातनी दिख रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।